हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल प्रिपरेशन किस तरह से की जानी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना कि जनरली आप सभी को पता है कि हम लोग जब भी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या जॉब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, जब हम अपनी तैयारी करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। पर जनरली बच्चे टाइम टेबल बनाने में क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, और टाइम टेबल किस तरह से बनाना है वो भी मैं इस लेक्चर में बनाने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे अपना एक फिक्स शेड्यूल बना लेते हैं। बच्चे ये करते हैं कि पूरे दिन भर का टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे। तो उसमें से देखिए, टाइम टेबल जब भी हम बनाते हैं, हमारे पास दिन में क्या है, दो तरह के शेड्यूल है। एक तो हमारा फिक्स रूटीन वर्क है, और एक हमारा फ्री टाइम है। तो फ्री टाइम और फिक्स रूटीन का मतलब ये हो गया कि कुछ तो रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क हमें करना होता है। और फिक्स टाइम का और मतलब ये हो गया कि जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या फिर जॉब पर जा रहे हैं, तो ये तो कुछ नेसेसरी चीज़ें होंगी जिनको कि आप बदल नहीं सकते। और बाकी जो फ्री टाइम है उसमें किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो एक अपना एक फिक्स शेड्यूल बना लेते हैं कि 6 से 7 तक ये करूँगा, 7 से 8 तक ये करूँगा, 8 से 9 तक ये बात करूँगा, 10 से 11 तक ये बात होगी। तो इस तरह से जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें क्या होता है, जिस दिन हम अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उस दिन तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम तो एग्ज़ाम को फोड़ के रख ही देंगे। ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि बस एग्ज़ाम और मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है। बट आप सभी जानते हैं कि हमारी एनर्जी का लेवल धीरे धीरे डाउन भी होता है, हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी तो रहती नहीं है। तो क्या होता है, फिर हम उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो आइए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमें टाइम टेबल बनाना है वो किस तरह से बनाना। तो जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो मैंने बता दी कि बच्चे अपने आप को क्या एक रिजिड टाइम टेबल बना लेते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल नहीं बनाते। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम टेबल बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि हम जो टाइम टेबल बता रहे हैं वो एक साल का टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एटलीस्ट 1 ईयर साथ में लेके चलें। मतलब 1 साल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तभी प्रिपरेशन अच्छी हो पाती है। तो यहाँ पर जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ उसमें मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 12 मंथ में से आपका 8 मंथ में और 8.5 मंथ में, मतलब 8-8.5 महीने में आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और फिर आपके पास में ऑलमोस्ट जो है 3.5 से 4 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए। तो इसमें जो है हम पूरे टाइम टेबल में ऑलमोस्ट 3 बार रिवीजन होगा और 1 बार हमारी रीडिंग होगी। तो लास्ट के जो 4 महीने उसमें हम 3.5 से 4 महीने हैं उसमें हम लगभग 2 रिवीजन करेंगे, और जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ के साथ में 1 रिवीजन पूरा करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल 4 बार पढ़ाई होगी जिसमें से 3 बार रिवीजन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें डेली, वीकली और मंथली टाइम टेबल को डिवाइड करना है। डेली से हमारा बन जाएगा फिर वीकली टाइम टेबल, और फिर वीकली से हमारा मंथली टाइम टेबल बन जाएगा। तो डेली रूटीन में देखिए, डेली रूटीन में हमें क्या करना है, और यहाँ मान के चलिए कि आपको लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर। तो देखिए डेली में जो है हमारा जो है टाइम टेबल अगर हमें बनाना है तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब कि आप एक फिक्स टाइम मत मान लो कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक यही करूँगा, इतनी बजे से उतनी बजे तक यही करूँगा, और इस दिन यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उस दिन वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ऐसी रिजिडिटी जो है आपको नहीं रखनी है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। तो सबसे पहला आप ये समझ जाएं कि पूरे दिन भर का जो भी शेड्यूल है आप उसमें एक टारगेट सेट कर ले कि आपको इतने घंटे पढ़ना है और इतना टॉपिक पढ़ना है, क्लियर। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपके टाइम टेबल में होना चाहिए, मतलब कि आप शफल कर सको या फिर आप चेंज कर सको। जैसे 6 से 7 आपका अगर आपने पढ़ने का टाइम रखा है, शाम को 6 से 7 आप नहीं पढ़ रहे हो, किसी ने आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो 6 से 7 में आप कुछ और एक्टिविटी कर लो क्योंकि आपका मन तो है ही नहीं।
तो अब उसकी जगह आपने जब कोई और एक्टिविटी रखी हुई है, जब दूसरा 7 से 8 में कोई और एक्टिविटी रखी हुई है, तो उस टाइम आप पढ़ लो। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल टारगेट। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल टारगेट जो है आपके होने चाहिए। अब फ्लेक्सिबल टारगेट का मतलब क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे एक वीक का टाइम टेबल मान के चलते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे मंडे को मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, थर्सडे को मैं वेट केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो इस तरह से हम कभी कभी कर लेते हैं कि इस दिन मेरे को केवल पूरा बायोलॉजी पढ़नी। अब होता क्या है कि जिस दिन आपका बायोलॉजी पढ़ने का टर्न होता है, उस दिन आपका मन ही नहीं होता कि मेरे को बायोलॉजी पढ़नी, या आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, या आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो आपने अगर एक सब्जेक्ट फिक्स कर लिया और उस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है ना। कि आप अगर आप जिस दिन सोच रहे हो कि मंडे को मुझे फार्माकोलॉजी पढ़नी है और उस दिन आपने फार्माकोलॉजी पढ़ने का मन नहीं है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो आप दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, बट यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपने एक वीक का टारगेट जो रखा है वो फिक्स रखा है, और जो टारगेट एक सब्जेक्ट का रखा है एक दिन का, वो आपको पूरा करना है। तो जैसे आप अगर मंडे को अगर फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं आप, और आपने सोचा था कि आपको पढ़ना था, या फार्माकोलॉजी की जगह बायोलॉजी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो आप उस मंडे की जगह उस सब्जेक्ट को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किसी भी दिन पढ़ लो, और जो थर्सडे को पढ़ने वाले थे उसका, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन आपका मंडे को रहा, तो मंडे को पढ़ लो। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आप रखो ताकि आपका जो मूड जो है बना रहे पढ़ने में, क्लियर। थर्ड जो हमारा है वो है डेली ब्रेक आपको रखना है। क्या रखना है? पढ़ाई के दौरान ब्रेक जो है वो रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं तो 6 घंटे एक साथ पढ़ूंगा, या 3 घंटे एक साथ पढ़ूंगा, या 2 घंटे एक साथ पढ़ूंगा। जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जैसे उन्हें पढ़ना है, जैसे वो कॉलेज से आए, कॉलेज से आने के बाद उन्होंने सेट कर लिया, कुछ अपनी एक्टिविटी करी, और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि मैं 2 घंटे लगातार पढ़ूंगा, ठीक है, 6 से 8 बजे तक लगातार पढ़ूंगा। अब जनरली होता क्या है, बच्चा 6 से 8 लगातार 2 घंटे नहीं पढ़ पाता है। एक साइंटिफिक जो रिसर्च हुई उसमें भी ऐसा कहा गया है कि 45 से 50 मिनट का जो एक समय होता है उस तक बच्चा कंसंट्रेट कर पाता है, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ जो है डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो आप ऐसा रखिए कि आप लोगों को क्या करना है, डेली ब्रेक रखना है, ब्रेक दे दे के पढ़ना है। वैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को स्टडी ब्रेक वाली टेक्निक बता भी चुका हूँ, तो उस टेक्निक को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि ब्रेक देके आप पढ़ोगे, 40 to 50 मिनट आप पढ़ लिए और उसके बाद आप ब्रेक दे दो, ठीक है। तो इस ब्रेक देने से क्या होता है, थोड़ा सा वापस से हमको क्या है, ब्रेक आपने 5 से 10 मिनट का लिया और वापस आप पढ़ने बैठ गए, तो थोड़ा सा आप वापस एनर्जाइज हो जाते हो, क्लियर। और वो एनर्जी फिर आपकी नेक्स्ट जो आप 50 मिनट पढ़ने वाले हो वो उसमें काम आती है। तो ये ब्रेक, स्टडी ब्रेक टेक्निक जो है आप यूटिलाइज करो। देन आपको क्या करना है, अपना एक रिवीजन स्लॉट डेली का बनाना है, ठीक है। अब रिवीजन स्लॉट क्या करना है, जैसे फर्स्ट डे आप पढ़े, मंडे को जब आप पढ़ रहे हो, तो उस दिन मंडे को पूरा पढ़ के रात को जब आप सो रहे हो, तो उससे पहले एक बार इसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। अब जब सेकेंड डे आप पढ़ोगे, सेकेंड डे जो है आपको क्या करना है, फर्स्ट डे का रिवाइज करना है, ठीक है। थर्ड डे वेडनेसडे को आप ट्यूसडे का रिवाइज करोगे। अब जब ये आपको रिवाइज करना है, तो ये नेक्स्ट डे की जब आप शुरुआत करोगे तब आपको रिवाइज नहीं करना है, ये आप जब नेक्स्ट डे का एंड करोगे, मतलब कि नाइट में जब आप एंड करोगे तब आपको रिवाइज करना है। मतलब ये हो गया, ये मंडे को तो हमने शुरुआत बता दी, उस दिन तो आप पढ़ोगे। अब जैसे ट्यूसडे आया, तो ट्यूसडे को जो आपने मंडे को पढ़ा वो आप ट्यूसडे की नाइट को रिवाइज करोगे, ट्यूसडे को जो आपने पढ़ा वो वेडनेसडे की नाइट को रिवाइज करोगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ऐसा ही करोगे। संडे को मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा एक डेली का रूटीन टाइम टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं वीकली किस तरह से हमें करना है, क्योंकि हर डे के अंदर हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर डेली तो हमें टारगेट हमारे क्या रखने हैं, फ्लेक्सिबल रखने हैं। अब जो वीकली टाइम टेबल हमें बनाना है, वीकली में हमारा जो टारगेट होंगे वो नॉन फ्लेक्सिबल टारगेट होंगे। कैसे होंगे? नॉन फ्लेक्सिबल टारगेट का मतलब क्या है? आप ये कहोगे सर एक जगह तो आप कह रहे हो फ्लेक्सिबल टारगेट और यहाँ पर कह रहे हो नॉन फ्लेक्सिबल टारगेट। तो दिन हर डे के अंदर तो आप ये कह रहे हो कि फ्लेक्सिबल रखो टारगेट को और यहाँ कह रहे हो कि नॉन फ्लेक्सिबल टारगेट। तो मेरे ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि हर दिन से मिलकर वीक बन रहा है, बट एक वीक में आपको हर सब्जेक्ट में कितना कितना पूरा करना है टॉपिक, मतलब
जैसे आपके फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, या और जो भी सब्जेक्ट हो गए, तो उन सारे सब्जेक्ट में से आपको एक वीक के अंदर कितने चैप्टर पूरे करने हैं। तो सपोज़ करो आपने हर सब्जेक्ट में से दो दो चैप्टर पूरे करने हैं अगर आपको, या एक एक चैप्टर भी पूरा करना है, तो आपके एक वीक का टारगेट फिक्स है कि मुझे हर सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। तो आपने पूरे वीक का डिसाइड कर लिया, तो आप इंडिविजुअल हर डे के अंदर फ्री हो कि आप फ्लेक्सिबल हो, एक एक दिन के अंदर जिसका सोचा, जरूरी नहीं कि उसका पढ़ो। बट वीकली में ऐसा है कि हमारा कि उस जो टारगेट हमने पूरे वीक के लिए डिसाइड किया है, वो टारगेट तो हमारा पूरा होना ही चाहिए। अगर वो पूरा नहीं होगा तो फिर आपका टाइम टेबल जो है बहुत ज़्यादा जो है आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ वो नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो 8 मंथ या 8.5 मंथ में कंप्लीट करने वाले थे, वो आपका 9 और 10 मंथ में कंप्लीट होगा। अगर आप वीकली के अंदर अगर आप फ्लेक्सिबल रहे, तो आपका जो टाइम पीरियड आपने लिया है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर वीकली के अंदर नॉन फ्लेक्सिबल टारगेट रखना है, देन आपको रिवीजन स्लॉट अपने रखने हैं। तो अब यहाँ रिवीजन स्लॉट में आपको क्या करना है, जो आपने सारे मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है, तो जब लास्ट आपका संडे है, तो संडे को आपको थोड़ा सा फ्री रखना है, ठीक है ना। और संडे को आपको क्या करना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो फर्स्ट वीक का जितना भी पढ़ा आपका संडे के दिन रिवाइज हो जाएगा, सेकंड वीक का जितना भी पढ़ा आपका क्या हो जाएगा, संडे के दिन रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पर आपको रिवीजन स्लॉट वीकली का रखना है, मतलब जितना आपने एक साथ पढ़ा वो सबका आप क्या कर लो, संडे के दिन एक रिवाइज कर लो। और आपको यहाँ पर वीकली ब्रेक रखना है। वीकली ब्रेक का मतलब आप ये देख लो कि जैसे कोई एक दिन जो होता है तो उसमें क्या होता है, संडे तो हमारा बहुत प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि संडे को हमें कॉलेज नहीं जाना होता, संडे को हमें कहीं और नहीं जाना होता, संडे हमारे पास पूरा दिन है, तो संडे को तो आप यूटिलाइज करो। बट वीक में कोई एक डे ऐसा रख लो जिसमें कि आप क्या रख लो, ब्रेक रख लो, कि मैं कुछ थोड़ा कम पढ़ूंगा या कुछ और एक्टिविटी करूँगा, फन एक्टिविटी करूँगा, जिससे कि आपका क्या रहे पूरा, मतलब आपका मूड बना रहे पढ़ने में, आप कहीं आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि मैं तो दिन भर पढ़ी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल मोनोटोनस हो गई है। तो ऐसा ना रहे, उसके लिए आप ब्रेक ले सकते हो किसी भी दिन। तो सैटरडे को आप ब्रेक ले लो, तो सैटरडे को आप ब्रेक ले लोगे तो क्या होगा, संडे को पूरी एनर्जी रहेगी। संडे को आपका ये रहेगा कि यार सैटरडे को तो मैंने क्या कर लिया, ब्रेक ले लिया है, मैं पढ़ा ही नहीं, तो संडे को पूरा यूटिलाइज करो। तो संडे को हाफ डे तो आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने में लगाओ, और बाकी जो है आप आधा टाइम जो है उसको किस में लगाओ, मंडे से जो फ्राइडे तक आपने पढ़ा है उसके रिवीजन में लगाओ। तो इस तरह से संडे आपका पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, और संडे को आपको कॉलेज भी नहीं जाना, कहीं और जगह भी नहीं जाना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप संडे का यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है वीकली का टाइम टेबल सेट हो गया। अब यहाँ पर देख लिए मंथली टारगेट। अब मंथली टारगेट में आपको क्या करना है कि आप जब टाइम टेबल बना रहे हो तो आप वीक के टारगेट भी बनाओगे और मंथ के टारगेट भी बनाओगे। तो मंथ के टारगेट में हमें क्या करना है, धीरे धीरे आपका क्या होता है, रिवीजन का स्लॉट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इनिशियल आप जो है, इनिशियल जो टाइम आपका है, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में आप ज़्यादा पढ़ोगे, फिर सेकंड मंथ में उससे थोड़ा कम पढ़ोगे, क्योंकि रिवीजन आपका जो है बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो सक्सेसिवली आपका जो है थोड़ा थोड़ा आपको रिड्यूस करना, टारगेट थोड़े थोड़े रिड्यूस होंगे, शुरू में आप ज़्यादा पढ़ोगे और रिवीजन जो है आप ज़्यादा करते जाओगे। तो अब मंथली टारगेट में आपको क्या करना है, रिड्यूस टारगेट रखने, टारगेट आपके रिड्यूस रहेंगे, मतलब कि आप सक्सेसिवली इसको कम करोगे टारगेट को। जैसे मान लो फर्स्ट मंथ में आपने 5 चैप्टर पढ़े किसी सब्जेक्ट के, तो सेकंड मंथ में उस सब्जेक्ट के आप 4 ही चैप्टर पढ़ोगे, उससे आगे वाले में फिर उससे कम पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कम करते जाना है, ताकि क्या हो, आपको रिवीजन का पूरा स्लॉट मिलता रहे। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐसा करने से फ़ायदा क्या है। अब इसके अलावा आपको क्या रखना है, इसमें मंथली रिवीजन का स्लॉट भी रखना है। अब मंथली रिवीजन का स्लॉट कैसे होगा, मंथली रिवीजन का स्लॉट, हम पूरे मंथ का रिवीजन एक बार, जो पूरे मंथ में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार एंड में करेंगे। तो जो एंड है वो हमारा क्या है, फोर्थ वीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ वीक है, तो यहाँ पर आपने 3 वीक का तो पढ़ा है, ठीक है। अब जब फोर्थ वीक का लास्ट संडे आ रहा है, उस संडे को आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीक का रिवीजन करना है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में आपका 8th वीक आएगा, तो 8th वीक में आपको क्या करना है, 1 से लेकर
7 वीक तक का रिवीजन करना है। तो अब जब आप सेकंड मंथ में रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम जो है वो उसको ज़्यादा चाहिए रिवीजन करके लिए। तो जब आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीक का जब आप फोर्थ वीक में रिवीजन कर रहे थे उस टाइम तो आपको टाइम कम चाहिए था क्योंकि आपके 3 वीक का ही रिवीजन कर रहे थे आप, ठीक है। बट अब आप यहाँ पर पूरे 7 वीक की स्टडी का 8th वीक में रिवीजन कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिएगा, यहाँ आपको 1.5 दिन 2 दिन चाहिएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप जब वापस से 12th वीक में जब वापस से रिवीजन करोगे तो आप 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन करोगे, और जब आप 16th वीक में आओगे तो आप 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन करोगे। तो इस तरह से आपका रिवीजन का स्लॉट बढ़ता जाएगा और जो आपको टारगेट है हर मंथ के वो रिड्यूस होते जाएंगे। तो आपको अपना टाइम टेबल इसी तरह से बनाना है कि आपका जो है 8 to 9 मंथ में आपका जो है सिलेबस कवर हो जाए और आपके पास 3 महीने बचे। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर रिवीजन बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तो देखिए जनरली होता क्या है, जनरली बच्चे करते क्या है, बच्चे एक बार पहले सारा पढ़ते हैं सिलेबस और रिवीजन बिल्कुल करते ही नहीं है। तो जब वो वापस रिवीजन करने बैठते हैं मतलब 8 महीने में वो सिलेबस पूरा करेंगे या 9 महीने में सिलेबस पूरा करेंगे, अब जब 10वें महीने में वो वापस फर्स्ट मंथ का सिलेबस लेके बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं है, कुछ बहुत कम चीज़ें ध्यान आ रही हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमारा इस टेक्निक में हो क्या रहा है, हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट डे का हम सेकंड डे में कर रहे हैं, सेकंड डे का थर्ड डे में कर रहे हैं। तो जब बार बार रिवीजन होगा आपका उसी उन इन्हीं चीज़ों का तो आपको क्या होगा, रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि मंडे का जब ट्यूसडे को रिवीजन कर रहे हो तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब वीक के एंड में रिवीजन कर रहे हो उसी चीज़ का तो आपको कम टाइम लगेगा। और जब वापस आप जो है फर्स्ट मंथ में रिवीजन कर रहे हो तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा उतने को ही पढ़ने में। तो यहीं पर आप देखो हम कितनी बार उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करते जा रहे हैं, समझ में आया ना आप लोगों को कि हमारा रिवीजन यहाँ पर कितना बढ़ गया। देखिए रिवीजन नेसेसरी है, अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप इसी तरह से टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि जनरली मैंने जितने भी बच्चों को देखा है जो नीट में जिनका फेलियर हुआ है, नीट में 2-2, 3-3 बार वो असफल हुए हैं, जबकि मॉक टेस्ट में वो बहुत अच्छा करते हैं। इंडिविजुअल जो मॉक टेस्ट होता है उसमें तो बहुत अच्छा करते हैं, पर जब ग्रैंड टेस्ट आते हैं तो वो अच्छा नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न यही है कि एक चैप्टर में तो हमें अच्छा आ रहा है, एक चैप्टर का तो हमें रिवीजन है, पर पूरे का हमें याद ही नहीं है, सारे जितना सिलेबस है उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। और उसका रीज़न क्या है कि जब हमने सारा सब कुछ पढ़ा है तो हमें पुराना कुछ ध्यान ही नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि हमने रिवीजन ढंग से नहीं किया है, और रिवीजन नहीं किया तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसको रेगुलर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए बार बार रिवीजन जरूरी है। और बार बार रिवीजन कब होगा, जब हम टाइम टेबल इस तरह से बनाएंगे। अगर हम टाइम टेबल ही इसी तरह से नहीं बनाएंगे तो फिर जो है हमारा सक्सेसफुली हम जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे जिसमें कि मैंने जो आपको बताया है कि इसमें हमने रिवीजन के स्लॉट पूरे दिए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, तो दोनों का मिक्स मैच आप करोगे तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आपने इस तरह का टाइम टेबल बनाया तो आप लोग जो है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, जब भी आप टाइम टेबल बनाओ उससे पहले हम ये तो मान के चल ही रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है, कौन सा चैप्टर जो है कितने टाइम में होगा, कौन सा चैप्टर जो है कम टाइम में होगा। तो आप हार्ड और इजी चैप्टर का मिक्सअप रखें, ऐसा ना रखें कि आप जो किसी वीक में सारे ही चैप्टर आपने हार्ड रख लिए, तो आप हार्ड और इजी चैप्टर का मिक्सअप रखें। इसी तरह से आप टाइम टेबल बनाएं, अगर आपने हार्ड हार्ड चैप्टर एक साथ रख लिए तो आपको क्या होगा कि आपको फिर मन नहीं लगेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा। तो आप हार्ड इजी इस तरह से मिक्स मैच करके अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें, और आपको पता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी इजी है, कौन सा आपको इजी याद हो जाता है, कौन सा बहुत मुश्किल से याद होता है। तो जिसको जो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है उसके लिए थोड़ा टाइम स्लॉट ज़्यादा दें, जिसमें इजी से इजीली हो जाता है उसके लिए टाइम स्लॉट कम दे सकते हैं। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई आप इस तरह से ही अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे और टाइम टेबल में जो गलतियाँ करते हैं वो नहीं करेंगे। तो टाइम टेबल एक अभिन्न अंग है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, जिसका टाइम टेबल सही बना है उसने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया है, और जिन्होंने गलत तरीके से बनाया है वो क्रैक भी नहीं कर पाए हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 बार एग्ज़ाम दिए और 2-2, 3-3 बार ही वो
डिसक्वालीफाइड हुए हैं, ठीक है ना। आप जानते ही हैं रिपीटर्स का क्या होता है, वो क्यों रिपीट कर रहे हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी गलत है, और उसी गलत स्ट्रेटजी के कारण वो बार बार फेलियर हो रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी अगर सही होगी तो हम एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो भी कंटेंट मैंने दिया है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंटेंट बिल्कुल सही है तो एटलीस्ट आप अपने एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।